नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और इस वक्त शुरुआत बड़ी खबर के साथ। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी गठबंधन सामने आ सकता है। आज दिल्ली में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के आवास पर मुलायम सिंह यादव और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया अजीत सिंह की मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल सिंह यादव की पहल पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में हार के बाद अजीत सिंह राज्यसभा जाना चाहते हैं और इसके लिए अजीत सिंह ने जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से कई राउंड बातचीत की, लेकिन दोनों के बीच कोई भी बात नहीं हुई। तो जेडीयू से निराश होने के बाद अजीत सिंह ने इस मामले में कांग्रेस से भी बात की, लेकिन वहां भी कोई बात नहीं बनी। सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह यादव राज्यसभा के लिए समाजवादी पार्टी के एक उम्मीदवार को ड्रॉप कर अजीत सिंह की राह आसान कर सकते हैं और इसके बाद समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन भी हो सकता है। मुलायम सिंह यादव ने गठबंधन पर आगे बातचीत के लिए शिवपाल सिंह यादव को अधिकृत किया है। और इंडिया 24/7 के एडिटर वासेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वासेंद्र जी, पिछले दिनों यही देखने को मिला था जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए विधानसभा चुनावों के लिए नरेंद्र सिंह नागर का नाम तय किया था राज्यसभा की उम्मीदवारी के लिए, क्या अजीत सिंह के साथ अगर ये गठबंधन होता है तो दोनों को ही एक तरह से सियासी फायदा होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को और वहीं दूसरी तरफ अजीत सिंह को राजनीतिक रिवाइवल के तौर पर? देखिए श्वेता, सही मायने में रियल पॉलिटिक्स अब शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में और मुलायम सिंह यादव एक एक करके उन सभी नेताओं को अपने पार्ले में लाने की कोशिश में जुटे हैं जिनके वजह से उनका जो जनाधार है उसमें इजाफा हो, बढ़ोतरी हो। और शायद यही कारण है कि अपने धुर विरोधी रहे बेनी प्रसाद वर्मा, अमर सिंह सरीखे नेताओं को उन्होंने राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बना दिया है समाजवादी पार्टी का। और अब अगली कड़ी में अजीत सिंह का नाम चर्चा में है। अजीत सिंह वो व्यक्ति हैं जो कि एक बार नहीं कई बार मुलायम सिंह का विरोध कर चुके हैं और मुलायम सिंह यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो अजीत सिंह को राजनैतिक तौर पर शिकस्त दे के ही बने थे। यह भी सच है कि अजीत सिंह के पिता चौधरी चरण सिंह मुलायम सिंह के आदर्श रहे हैं और राजनीति में मुलायम सिंह को आगे बढ़ाने में चौधरी चरण सिंह का बहुत बड़ा योगदान था और चौधरी चरण सिंह ने ही मुलायम सिंह को उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे बढ़ाया। लेकिन बाद में महत्वाकांक्षाओं के चलते अजीत सिंह और मुलायम सिंह के बीच में टकराव हुआ और जब पहली बार मुख्यमंत्री का चयन हो रहा था तो उस समय मुलायम सिंह यादव ने अजीत सिंह को हरा के मुख्यमंत्री पद हासिल किया था। तब से लगातार ये इन दोनों के बीच में 36 का रिश्ता बना रहा है, लेकिन बदली परिस्थितियों के चलते और जिस तरह से अजीत सिंह एक के बाद एक अपना जनाधार खोते गए और एक के बाद एक अपने राजनीतिक दोस्तों को भी खोते गए, उसके चलते अब अजीत सिंह के सामने भी और कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा। अभी कुछ दिन पहले भी अजीत सिंह ने पहले नीतीश कुमार फिर सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और कोशिश की थी कि नीतीश कुमार के सपोर्ट से या कांग्रेस के सपोर्ट से वे राज्यसभा तक पहुंच जाए, लेकिन जब उनको कामयाबी नहीं मिली तो उनके सामने भी मुलायम के अलावा और कोई विकल्प उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दिया। और वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुजर और जाट मतों की दरकार है, बगैर उनके सपोर्ट के वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए कोई खास पहचान नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए दोनों की राजनीतिक मजबूरी है और शायद इसी कारण से दोनों नेता अब एक बार फिर अपने पुराने मतभेद भुलाकर एक नया गठबंधन बनाने की कोशिश में लगे हैं। बिल्कुल वासिंद्र जी, जिस तरीके से आज चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि भी है, क्या इस मौके को चुनना और एक तरीके से विन विन सिचुएशन को देखते हुए आगे बढ़ना, आज के दिन को तय करना, इसको क्या समझें? देखिए, ये सच है कि मुलायम सिंह यादव ने जितना काम चौधरी चरण सिंह के नाम से उत्तर प्रदेश में किया है उतना काम चौधरी अजीत सिंह ने नहीं किया है। और जब मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री रहे हैं तो चौधरी चरण सिंह के नाम से उन्होंने तमाम कॉलेज बनाए, यहाँ तक कि विधानसभा के बाहर जो मूर्ति लगी वो भी मुलायम सिंह के कार्यकाल में लगी थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव चौधरी चरण सिंह को अपना
राजनैतिक गुरु मानते रहे हैं जी, और अपना सही खुद को उत्तराधिकारी मानते रहे चौधरी चरण सिंह का राजनैतिक उत्तराधिकारी, और यही कारण रहा कि अजीत सिंह और मुलायम सिंह के बीच में एक लंबे अरसे तक मतभेद बने रहे। वासिंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातें बताने के लिए। तो एक अहम गठबंधन के तौर पर इसे देखा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों को ही एक तरीके से राजनीतिक तौर पर फायदा मिल सकता है अगर साथ में आते हैं, क्योंकि अजीत सिंह जो लगातार कोशिश कर रहे थे, पहले जेडीयू की तरफ से उन्होंने एक कोशिश की कि उनको उनका साथ मिल जाए, फिर कांग्रेस का भी दरवाजा उन्होंने खटखटाया, और आखिरकार अब समाजवादी पार्टी के साथ जो खबर मिल रही है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों में गठबंधन हो सकता है, आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी को भी अगर हम देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी स्थितियों को लगातार वो मजबूत करने में लगे हुए हैं, और इसके लिए एक तरह से ये समझा जा रहा है कि राज्यसभा के नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स में से किसी का नाम अब ड्रॉप करके मुलायम सिंह यादव, अजीत सिंह का नाम ला सकते हैं। तो एक बेहद महत्वपूर्ण एक तरीके से कहें इसे कदम हम देख सकते हैं, हालांकि राजनीतिक तौर पर अगर कहें तो एक तरह से मतभेद भी रहे हैं चौधरी अजीत सिंह के साथ, और कई बार एक तरीके से जब साथ भी छोड़ा गया है, लेकिन अब जब साथ में आएंगे तो कितनी स्थितियां मजबूत होंगी, क्योंकि लोकसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था अजीत सिंह को, और इसीलिए समझा जा रहा है राजनीतिक रिवाइवल के तौर पर, एक शायद उनके पास भी कोई भी विकल्प नहीं बच रहा है, और ऐसे में अब दोनों एक साथ आकर गठबंधन के तौर पर जो अभी सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है विधानसभा चुनावों में साथ आ सकते हैं। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने इस मुलाकात को किया किस तरह से देखा है, उन्होंने क्या कहा है वो सुनते हैं। कि वो मिल रहे हैं, वो मिल सकते हैं, कोई दूसरे दल के लोग हैं, वो सपा के हैं, वो लोक दल के हैं, वो मिल रहे हैं, तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो मिले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट यह मत है कि हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर और जनता के आशीर्वाद से 2017 भी सफल करेंगे, और जो भी इस बीच में चुनाव आएंगे उसमें भी सफल होंगे। अनुराग चड्ढा हमारे साथ हैं। अनुराग, एक बात मुझे बताइए कि अगर अजीत सिंह के रिकॉर्ड को हम देखें तो वो शायद किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने से पीछे नहीं हटते हैं, किसी ना किसी के साथ गठबंधन करके वो सत्ता में रहते ही हैं। क्या ये कहें दरअसल अब कोई विकल्प उनके पास नहीं है, समाजवादी पार्टी के लिए भी विन विन सिचुएशन होगी अगर वो साथ में आते हैं? देखिए श्वेता, अजीत सिंह इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर सत्ता में रहना है तो किसान से अलग हटकर उनको राजनीति करनी होगी, तो कहीं ना कहीं सत्ता की राजनीति अजीत सिंह करते हैं, ये बात सभी जानते हैं। शायद यही वजह है कि अब तक अजीत सिंह का गठबंधन तमाम पार्टी से हो चुका है, और इस वक्त अब जो 2017 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं श्वेता, उसके बाद अजीत सिंह को लगता है कि चलिए आपके पास मैं दोबारा आऊंगी। अनुराग, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ शुरुआत आपको बताते हैं, अजीत सिंह ने दरअसल नीतीश कुमार के साथ बातचीत से की थी, लेकिन वहां पर बात नहीं बनी, फिर कांग्रेस के साथ भी उन्होंने कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए साथ मिल जाए, एक तरह से वो यही चाह रहे थे कि राज्यसभा की टिकट उनको मिले और उनके बेटे को विधानसभा चुनावों में उतारा जा सके, लेकिन किसी पार्टी के साथ बात नहीं बनी, और अब समाजवादी पार्टी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश, सूत्रों के मुताबिक किसी का नाम ड्रॉप करके राज्यसभा उम्मीदवारों में से मुलायम सिंह यादव, अजीत सिंह को राज्यसभा भेज सकते हैं, और गठबंधन करके विधानसभा चुनावों में साथ आ सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम अगर देखें तो खासा एक प्रभाव रहा है अजीत सिंह का, भले ही लोकसभा चुनावों में काम ना आया हो, वो अपनी ही सीट हार गए हो, लेकिन फिर भी अब एक तरीके से जो कदम उठाया जा रहा है राजनीतिक रिवाइवल के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। तो सूत्रों के मुताबिक अजीत सिंह में RLD का SP में विलय करने का भी प्रस्ताव रखा है। सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह यादव ने इस प्रस्ताव पर नफा नुकसान नापने के लिए राम गोपाल और शिवपाल को जिम्मेदारी दी है। अब ये देखिए, सिर्फ गठबंधन की बात नहीं है बल्कि विलय की बात अब सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है जिस तरह से एक प्रस्ताव रखा है अजीत सिंह ने, RLD का SP में विलय किया जा सकता है, कर लिया जाए, ये एक प्रस्ताव रखा गया है दरअसल। और अब क्या इससे सियासी फायदा होगा, अगर फायदा होगा तो कितना फायदा होगा, और अगर विलय करते हैं तो किस तरह का नुकसान भी हो सकता है, ये तमाम चीजें हैं जिसको आंकने के लिए मुलायम सिंह यादव ने राम गोपाल और शिवपाल को जिम्मेदारी दी है।
अनुराग चड्डा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, एक बात बताइए, अभी तक सिर्फ गठबंधन की बात थी, लेकिन क्या ये कहें कि अजीत सिंह को ये लगता है कहीं ना कहीं विलय बहुत जरूरी है, क्योंकि यही प्रपोजल वो जब जब जिस जिस पार्टी के पास फिलहाल के कुछ दिनों में गठबंधन के लिए गए हैं उन्होंने रखा है, ये कहें कि दरअसल उनको ये लगता है कि शायद अकेले और पार्टी के साथ अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता, इसलिए विलय कर लिया जाए, और अब किस तरीके का सियासी फायदा नुकसान हो सकता है। हालांकि आकलन की जिम्मेदारी रामगोपाल और शिवपाल को दी गई है, लेकिन अगर हम सियासी लिहाज से समझे तो किस तरह का फायदा नुकसान हो सकता है समाजवादी पार्टी को अगर विलय करते हैं तो। देखिए श्वेता, जो राजनीति में जब भी कोई गठबंधन होता है तो जब आप पॉलिटिकल रूप से मजबूत होते हैं तब अपनी नियम शर्तों को आप आगे रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो अजीत सिंह की राजनीतिक हालत है वो काफी खराब है, तो इसलिए अजीत सिंह के सामने कोई अपनी शर्त रखने का कोई मौका नहीं है। अगर हम जदयू की बात करें तो जदयू से भी उनकी विलय करने की बात चल रही थी, लेकिन अजीत सिंह की जो मांग थी वो राज्यसभा की थी और इसके अलावा और भी तमाम उनकी बातें थी, तो जिसको लगा कि जो जदयू को लगा कि अजीत सिंह के साथ गठबंधन करने का कोई फायदा नहीं है, उसके बाद बीजेपी के पाले में अजीत सिंह ने गेंद फेंकी और तमाम नेताओं से मिले, बीजेपी के सामने भी यही शर्त रखी गई कि उनको राज्यसभा भेजा जाए, उसके बाद ही गठबंधन को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो बीजेपी के जो तमाम नेता हैं और खासतौर पर जो जाट लीडरशिप बीजेपी ने डेवलप की थी तो उनको लगा कि अजीत सिंह के साथ जुड़ने से कोई फायदा नहीं है बल्कि उल्टा नुकसान हो सकता है, तो ग्राउंड रिपोर्ट जब बीजेपी के आलाकमान नेताओं के पास आई तो अजीत सिंह के साथ तमाम तरह गठबंधन की खबरों को खारिज कर दिया गया और सारे बातचीत के दरवाजे बंद हो गए। उसके बाद अब अजीत सिंह को लगता है कि जो उनका राजनीतिक भविष्य है और जो पार्टी का राजनीतिक भविष्य है वो आने वाले वक्त में और खराब हो सकता है। 2017 का समीकरण वो साफ तौर पर देख रहे हैं, बीजेपी लगातार अग्रेसिव है पश्चिम में, इसके अलावा बसपा भी मजबूत हो रही है, तो ऐसे में उनको लगा कि बसपा से गठबंधन उनका होगा नहीं, बीजेपी से होगा, तो समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां पर हम जाट और मुस्लिम समीकरण बना सकते हैं, तो क्योंकि अगर आरएलडी का इतिहास देखें तो आरएलडी जितनी भी सीटों पर जीती है वहां पर जाट समीकरण और थोड़ा बहुत दलित आरएलडी के पास आया। अब जब मुलायम सिंह यादव से उनकी मुलाकात हुई और समाजवादी पार्टी के एक नेता ने उनकी मुलाकात कराई तो अजीत सिंह के सामने तमाम तरह की बातें मुलायम सिंह यादव ने रखी। चलिए अनुराग, अब देखना होगा कि क्या कुछ इसको आकलन करने के बाद तय किया जाता है, इस प्रस्ताव पर क्या स्टैंड लेती है समाजवादी पार्टी। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आरी देवभूमि उत्तराखंड की, जहां पर एक बार फिर से तबाही मची है, 3 जगहों पर बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। अब तक बताया जा रहा है 1 शख्स की मौत हो गई जबकि 4 लोग लापता हैं। उत्तरकाशी से 3 और टिहरी से 12 साल का एक लड़का लापता है। टिहरी और उत्तरकाशी में बादल फटने से भूस्खलन होने के बाद चमियाला और भैंसवाला इलाके ब्लॉक हो गए हैं। प्रशासन रास्ता खुलवाने में जुटा है। घनसाली उत्तरकाशी रूट बंद होने के चलते चारधाम यात्री जगह जगह फंसे हुए हैं, तो टिहरी के कोठियाड़ा गाँव में मलबा आने के कारण लोगों को रात स्कूल में गुजारनी पड़ी। भूस्खलन की वजह से गंगोत्री केदारनाथ सड़क बंद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि गंगोत्री केदारनाथ सड़क का 20 मीटर हिस्सा पानी में बह गया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि चारधाम यात्रा चल रही है, रिकॉर्ड स्तर पर वहां पर यात्री पहुंच रहे हैं जो पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी उसमें, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं मौसम एक आफत बनकर आया है उत्तराखंड में। तो बादल फटने की घटना में बारिश के साथ ही कभी भी गरज के साथ ओले भी पड़ते हैं। अमूमन बादल फटने की वजह से सिर्फ कुछ मिनट तक मूसलाधार बारिश होती है, लेकिन इस दौरान इतना पानी बरसता है कि इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। बादल फटने की घटना अमूमन पृथ्वी के 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर घटती है और इस वजह से बारिश लगभग 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की दर से होती है। कुछ ही मिनट में 2 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो जाती है जिस कारण भारी तबाही होती है। सोनू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, ये बताइए कि किस तरीके से अब कोशिशें हो रही है रास्तों को खोलने की, लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की, क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है।
देखिए श्वेता, जो टिहरी में ये घटना घटी है, जो सामने आया है वाक्यात, निश्चित तौर पर वहाँ पर कोई ऐसे इंतजाम शासन प्रशासन की तरफ से नहीं थे जहाँ पर यात्रियों को और जो आवाजाही करने वाले लोग हैं उनको ठहरा दिया जाए। जो सरकारी आसपास के सरकारी विद्यालय हैं वहाँ पर और कुछ हॉस्पिटल का एरिया, वहाँ पर उनको ठहराया गया है। और जो टिहरी से केदारनाथ गंगोत्री जो मार्ग है वहाँ पर कुछ यात्रियों को रात अपनी गाड़ियों के सहारे बितानी पड़ी। एक तरफ बादल फटने से लोगों को परेशानी हो रही है, तो दूसरी तरफ जो चारधाम यात्रा है वो भी प्रभावित हो रही है। और ऐसे में चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है जब मौसम विभाग अगले 48 घंटों के लिए प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी देता है। तो निश्चित तौर पर देहरादून से लेकर टिहरी और टिहरी से लेकर चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ तक अब लोग कहीं ना कहीं चिंता में डूबे हुए हैं, क्योंकि जो मौसम की ये मार लोगों पर पड़ी है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है। प्रशासनिक तंत्र बार बार ये दावे कर रहा है कि जहाँ पर मोटर मार्ग बाधित हुए हैं वहाँ पर मोटर मार्गों को खोल लिया जाएगा, यात्रा को व्यवस्थित कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो आसपास के एरिया है वहाँ पर सुरक्षित स्थानों पर यात्रियों को ठहरा दिया जाएगा। केदारनाथ में 2 बजे के बाद यात्रियों के जाने पर साफ तौर पर प्रतिबंध है, क्योंकि मौसम का जो मिजाज है वो पूरी तरह से साथ नहीं देता, बदलता रहता है। ऐसे में बद्रीनाथ और तमाम धामों की जो यात्रा है निश्चित तौर पर वो भी प्रभावित होगी। जो उत्तराखंड में पर्यटक आएंगे कहीं ना कहीं जब ये संदेशा उन तक पहुंचेगा तो उनके आने की संख्या में भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो ये कहा जा सकता है श्वेता कि मौसम की मार अब चारधाम यात्रा पर भी देखने को मिल रही है। कुछ लोगों के घरों में मलबा घुस गया है, कुछ लोगों के घर बह गए हैं, कहीं खेती की जमीन जो है वो प्रभावित हुई है। तो निश्चित तौर पर ये चारधाम यात्रा के दौरान देखने को मिलता है, लेकिन दरअसल अहम सवाल यही होता है कि क्या प्रशासन इसके लिए तैयार होता है, क्योंकि ये चीजें कि मौसम रुख बदलेगा ये उत्तराखंड के लिहाज से कोई नई बात है नहीं। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इधर रुद्रप्रयाग और चमोली में लगभग कल मूसलाधार बारिश होती रही, जबकि श्रीनगर में आंधी तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। रुद्रप्रयाग में कल शाम लगातार बारिश हुई और अभी भी ये सिलसिला जारी है, जिसके चलते केदारनाथ यात्रा को रोका गया है। इधर देहरादून में शनिवार को आए तूफान ने जमकर तबाही मचाई, आंधी और बारिश ने कई घरों की छतों को उड़ा दिया, तो कई घरों को प्रभावित किया, जिससे शहर की बिजली और यातायात ठप हो गया है। और इधर मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर एनडीए जश्न मना रही है। शनिवार को दिल्ली में इंडिया गेट के पास मेगा शो का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। सरकार के तमाम मंत्रियों से लेकर बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन तक ने शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी खुद कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम में सरकार के कामों का बखान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकासवाद और विरोधवाद के दौर में जनता सच का फैसला करेगी। अमिताभ ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाया, तो 5 घंटे के इस प्रोग्राम को अभिनेता आर माधवन ने होस्ट किया। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। बड़ा कार्यक्रम था, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर विपक्ष इतने ही बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। मोदी सरकार की एक कोशिश रही कि काम से ज्यादा प्रचार। काम तो कुछ नहीं हुआ, प्राइसेस नहीं घटे, क्रूड ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में घटे लेकिन यहाँ पर नहीं घटे, कोई कंज्यूमर को उसका बेनिफिट नहीं हुआ। इतना अकाल गिरा, ड्रॉट, सैकड़ों लोग, हजारों लोग सुसाइड कर लिए, उसके लिए कोई नई योजना उन्होंने नहीं बनाई। और जनधन योजना, उसमें तो 23 करोड़ पहले ही अकाउंट थे और उससे ज़्यादा, यानी जो स्कॉलरशिप के लिए, घर के लिए, ये सब इकट्ठा करके उन्होंने आंकड़े बता रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मुझे अपेक्षा नहीं थी प्रधानमंत्री जी जब देश के हालात इतने ख़राब हों तो इतनी संवेदनशीलता का परिचय देंगे। आप सालगिरह मना रहे हैं, गिरह ज़्यादा हैं। इस सालगिरह के बारे में रोहित बेमूला की माँ क्या सोचती है वो पता किया जाए। इस सालगिरह के बारे में बुंदेलखंड, मराठवाड़ा और विदर्भ के लोग क्या सोचते हैं ये पता किया जाए। इस सालगिरह के बारे में बेरोजगारों के सामने जो रोजगार का मसला अंधे कुएं की तरह है उनसे पता किया जाए। कई दफ़ा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में हमें ये सोचना होता है कि अपनी जो इरेप्रेसिबल डिज़ायर है खबर पाने की, खबर बनाने की,
उससे बचने के लिए एक खास किस्म की संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, उसका मुझे अभाव दिखा। जहां देश के बड़े हिस्से में सूखा पड़ा हुआ है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, महिलाएं पानी की भीख मांग रही हैं दरवाजे दरवाजे जा करके, और वहाँ आप यहाँ जश्न मना रहे हैं। आज ही टिहरी में बादल फटा है और भारी नुकसान हुआ है, तो किस चीज़ का आप जश्न मना रहे हैं, क्या आपने कर दिया? ये सब जो इनकी पुरानी शैली है पैकेजिंग और मार्केटिंग की, वही है। राज्यसभा की खाली सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस के 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद सवाल ये है कि क्या राज्यसभा में वकील एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे? क्या राज्यसभा में सरकार और विपक्ष के बीच बहस वकीलों के जरिए होगी? सवाल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम और विवेक तनखा जैसे जाने माने वकीलों को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं आरजेडी पहले ही जाने माने वकील राम जेठमलानी को राज्यसभा भेजने का ऐलान कर चुकी है। इस तरफ विपक्ष ने अब राज्यसभा में सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी के लिए वकीलों को सदन में भेजने की तैयारी की है, तो वहीं सरकार की तरफ से विपक्ष पर वार करने के लिए सदन में पहले से ही नामी गिरामी वकील मौजूद हैं। सदन के नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली वकील हैं, तो मोदी कैबिनेट के मंत्री रविशंकर प्रसाद भी जाने माने वकील हैं। जाहिर है राज्यसभा में आने वाले दिनों में सरकार और विपक्ष के बीच जंग के एक नए अंदाज देखने को मिल सकते हैं। आज बरेली और मुरादाबाद के बीच स्पेन में बनी लग्जरी और सेमी हाई स्पीड ट्रेन टेलगु का ट्रायल होगा। टेलगु ट्रेन का पहला ट्रायल 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया गया। पहला ट्रायल सुपर हिट रहा और इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस ट्रेन का भारत में यह पहला ट्रायल है। ट्रेन की खासियत यह है कि इसे 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाया जा सकता है। इस ट्रेन के लिए भारतीय रेल की पटरियों में भी बदलाव की जरूरत नहीं होगी। इंडिया के लिए नया यही है कि अच्छे हैं डोर्स, ऑटोमेटिकली क्लोजेबल डोर्स हैं, और बाकी ट्रेन से जैसे नहीं है कि पैसेंजर्स बाहर तक आ जाएं। सेफ्टी पर्पस के लिए काफ़ी अच्छी ट्रेन है, अच्छा लग रहा है, और नई गाड़ी है, बहुत अच्छा है, और हम लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है चलाने का।